दोस्तों सब्सक्राइब करें हिंदी एंड्रॉयड टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख पाए टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हिंदी एंड्रॉयड टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम बटन की खास और खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको वॉल्यूम बटन की ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप एकदम से चौंक जाएंगे और ये ट्रिक दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों ये ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दोस्तों मैं अपने फेसबुक को ओपन करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे मेरी पूरी स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है और फेसबुक ओपन नहीं हुआ है और दोस्तों ना ही यहां पे कोई पासवर्ड मांग रहा है, दोस्तों ना ही यहां पर कोई पैटर्न लॉक लगा हुआ है। दोस्तों मैं अपने फेसबुक को आपको यहां से वॉल्यूम बटन से ओपन करके दिखाता हूं। दोस्तों मैं दो बार वॉल्यूम अप बटन को दबाता हूं और दो बार वॉल्यूम डाउन बटन को दबा देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे मेरा फेसबुक जो है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी ये ट्रिक अपने मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूले और अगर आपने हमारा चैनल हिंदी एंड्रॉयड टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप देख पाए इसी तरह की टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों फिर आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो उस एप्लीकेशन के अंदर और उसको कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉल्यूम की से। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके मोबाइल में कोई ऐप लॉकर इंस्टॉल ये किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसका नाम दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद चेंज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर आप अपने होम स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो और उसे ओपन करने के लिए दोस्तों ना ही आपको कोई पासवर्ड डालना है, ना ही दोस्तों आपको कोई पैटर्न लॉक लगाना है। दोस्तों सिर्फ आपको अपने वॉल्यूम की से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सी एप्लीकेशन है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उफ्स ऐप लॉक। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर लिया। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा तो आपको इसे स्किप कर देना है। ठीक है, तो आप सब स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटअप पासवर्ड, तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से इसका पेज एक ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड बहुत ही अलग तरह का है, बहुत ही यूनिक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड को सेट करना है। दोस्तों मान लो यहाँ पर दोस्तों मैं 4 पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 4 पर क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे अब अपने वॉल्यूम बटन को 4 बार दबाना होगा तो ये मेरा पासवर्ड यहाँ पर सेट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 4 पर क्लिक किया है तो यहाँ पर दोस्तों मैं 2 बार अप बटन दबा देता हूँ और 2 बार डाउन बटन दबा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये फिर से एक बार इंटर करने के लिए बोल रहा है तो फिर से मैं दोस्तों यहाँ पर इसे 2 बार अप बटन दबा देता हूँ और 2 बार डाउन बटन दबा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो है सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वॉल्यूम बटन की मदद से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पासवर्ड को सेट कर दिया है और दोस्तों मान लो कि आप अपने पासवर्ड को सेट करने के बाद अगर आप भूल जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देना होता है, आंसर देना है दोस्तों क्वेश्चन का। तो अगर आप पासवर्ड भूल भी गए तो यहाँ पर आप अगर आंसर दे देंगे दोस्तों तो इस आंसर को यहाँ पर आपका लॉक खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आंसर मैं दे देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, सेटअप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का नाम क्या यहाँ पर आ रहा है, के नोट। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक नोट है। आप यहाँ पर कुछ भी दोस्तों टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अपना मैसेज को आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा ये ऐप लॉक है। ठीक है दोस्तों, अभी ऐप लॉक ओपन कैसे होगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने पासवर्ड सेट किया था मैं वो यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने अप बटन 2 बार दबाया था और डाउन बटन 2 बार दबाया था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऐप लॉक ओपन हो चुका है। दोस्तों किसी को पता भी नहीं चला है कि आपके मोबाइल में ऐप लॉक है और आपने किसी एप्लीकेशन को लॉक करके रखा है। जब भी कोई दोस्तों आपका फ्रेंड या आपका कोई भी रिलेटिव आपके मोबाइल को लेता है और किसी एप्लीकेशन को ओपन करता है दोस्तों वो एकदम से डर जाएगा कि एप्लीकेशन ओपन क्यों नहीं हो रही है, वो सोचेगा मोबाइल हैंग हो रहा है। दोस्तों चलिए, एप्लीकेशन तो हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यहाँ पे हमें सेटअप करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप इसे ऑन कर लीजिए, एनेबल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एनेबल होने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इसे कुछ परमिशन अलाउ करना होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं के नोट ऑफ है तो यहाँ से इसे हमें ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पर लॉक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को लॉक कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर एक आपको चीज मिल जाती है। यहाँ पे अगर ब्लैक लिखा हुआ है दोस्तों, अगर यहाँ पर आप सेट कर देंगे तो जब भी कोई आपके ऐप को ओपन करेगा दोस्तों, तो वहाँ पे पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी गैलरी से दोस्तों कोई भी इमेज भी यहाँ पर दोस्तों सेट कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपकी ऐप को कोई ओपन करेगा तो लॉक की जगह पे दोस्तों वहाँ पर क्या आएगा वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं ब्लैक को ही रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो ट्रिक बताया दोस्तों, तो एक ट्रिक तो ये ऐप लॉक हो गई, दूसरी तो ट्रिक दोस्तों वो ये है कि यहाँ से आप दोस्तों अपने स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हैं, और उसे अनलॉक करने के लिए आपको अपने वैल्यूम की को दबाना होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें इन्हें ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मेथड वन और मेथड टू। तो दोस्तों मैं मेथड वन पर क्लिक कर देता हूँ, आपको भी जो पसंद है उस पर करने के बाद यहाँ पे इसे आप इसे परमिशन दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, परमिशन देने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे हमारी पूरी सेटिंग्स हो चुकी है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और दोस्तों हम देख लेते हैं कि हमारा ऐप लॉक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को दोस्तों लॉक किया है अभी, तो प्ले स्टोर को दोस्तों मैंने जैसे ओपन किया आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पूरी तरह से लॉक हो चुकी है और पूरा यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हो चुकी है, और यहाँ पर ना ही दोस्तों कोई पासवर्ड मांग रहा है, ना ही यहाँ पे दोस्तों कोई पैटर्न लॉक बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने वॉल्यूम की को मैं दोस्तों दबाता हूँ, जैसे कि मैंने सेट किया था दो बार अप बटन और दो बार डाउन बटन। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी ट्रिक दोस्तों जो मैंने बताया था, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को अनलॉक लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपको पासवर्ड नहीं डालना, कोई भी पैटर्न नहीं डालना है दोस्तों। जो भी कोई देखेगा वो एकदम हैरान हो जाएगा कि कैसे ये आपका मोबाइल अनलॉक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो आपको यहाँ पर दबाना है। तो मैं दबा देता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मेरा स्क्रीन लॉक यहाँ पर ओपन हो चुका है। और दोस्तों सबसे बड़ी खासियत इस ऐप की ये है कि यहाँ आपके मोबाइल में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐप लॉक आपने कोई इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऐप का नाम दोस्तों के नोट। अगर कोई इसे ओपन करेगा तो यहाँ पर दोस्तों यह सोचेगा कि नोट है यहाँ पर टाइप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर दोस्तों आप इसे अपने पासवर्ड को दोस्तों दबाएंगे तो ये ऐप लॉक ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों ये ऐप लॉक ओपन हो गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ऐप लॉक आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये ऐप आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने हमारा चैनल हिंदी एंड्रॉइड टिप्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप देख पाए इसी तरह की टिप एंड ट्रिक्स की वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हिंदी एंड्रॉइड टिप्स देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।